Ravi, first of all, welcome to Times of India. Thank you very much. You know, Sargun is also doing such a great work in her career. And वो काफी हाल फिलहाल में बहुत ज्यादा travel करती रही. तो आप दोनों एक दूसरे के साथ उतना वक्त नहीं बिता पाए हैं. उस फ्रंट में कितना यू नो बहुत ही ज्यादा कहेंगे इंटरेस्टिंग लॉकडाउन आप दोनों के लिए साबित हुआ है. उस फ्रंट पे भी लॉकडाउन मेरे लिए एक बहुत अच्छा समय रहा है, क्योंकि पिछले पूरे साल में सरगुन ने कुल मिला के 22 या 23 दिन मेरे साथ बिताए थे जो 3 या 4 महीने हो गए. सो दिस वुड बी द लॉन्गेस्ट टाइम सिंस द टाइम सरगुन हैज बीन वर्किंग इन फिल्म्स दैट वी हैव टुगेदर स्टेड. सो जितना जरूरी मेरे ख्याल एक रिलेशनशिप में वो स्पेस और डिस्टेंस होता है, उतना ही जरूरी है टाइम टुगेदर होता है. तो ये उस लेवल पे भी मैं तो आप मुझसे जितना पूछे मैं लॉकडाउन के बारे में आपको अच्छी बातें गिनाऊंगा, मैं आपको कम बुरी बातें गिनाऊंगा. लेकिन आप दोनों ने मिलकर क्या क्या किया वो फर्स्ट टाइम जो आप पहले नहीं कर पाए थे बिकॉज ऑफ टाइम कंस्ट्रेंट? बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में हमने एक साथ काम किया. वी आर आल्सो प्रोड्यूसर्स एंड वी आर डायरेक्टर्स ऑफ द सेम कंपनी. सो वी सैट डाउन, वी क्रिएटेड सो मेनी कॉन्सेप्ट्स. अ लॉट ऑफ दोस कॉन्सेप्ट्स यू विल सी वेरी वेरी सून. वी आर गोइंग टू पुट प्रोजेक्ट्स ऑन फ्लोर राइट नाउ. इस बीच में we also kind of produced an entire music video in the realm of our house, which you may have seen. Badshah Paaji ka music video tha, Toxic, Badshah Paaji and Payal Didi ka. And so we also got to know that how is it that we can conceptualize, make a whole storyboard, a whole storyline, and shoot an important kind of I would say that a full-fledged professional music video without any equipment whatsoever and without any unit whatsoever in the periphery of our houses. So, हमें ये भी एक नया एक तरीका एक स्किल सेट हम लोगों ने एक जाना. उसके अलावा जब दिमाग में बहुत ज्यादा सवाल भर जाए आपको उसको वेंट करना ही है तो कलम उठा के कुछ लिख भी डाला जो आप के जिसके बारे में आप बात कर रही हैं. तो एट एवरी लेवल आई थिंक मी एंड सरगुन एवरी फ्यू डेज वी आर इन द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग समथिंग. देयरफॉर दिस टाइम इज अ प्रोडक्टिव वन, इट इज अ वैल्यू क्रिएटिंग वन. तो हम लोग जो काम भी किया करते थे अब सेट वगैरह तो थे नहीं, तो अगर हमें कोई एंडोर्समेंट या कोई हमें कोई एडवर्टाइजमेंट बना दो तो वी यूज्ड टू शूट इट इनसाइड आवर हाउस इटसेल्फ. एंड वो एक एक्सक्यूज नहीं होती थी कि क्योंकि हम घर में शूट कर रहे हैं हम खराब कर सकते हैं, हम नहीं कर सकते. तो सो वी हैड टू गिव अ प्रीमियम लुकिंग प्रोजेक्ट डिस्पाइट आवर ऑल सर्कमस्टेंसेस. सो या सो इट्स बीन अ वेरी प्रोडक्टिव टाइम आई वुड से. तो बट कभी वो दोनों लोगों का क्रिएटिव माइंड कभी क्रिएटिव डिफरेंसेस भी होते थे क्योंकि आपको एक तरीके का काम चाहिए और उनको एक तरीके का काम चाहिए? बहुत होते हैं, बहुत बहुत होते हैं. हम लोग मैं और सरगुन अदरवाइज कभी नहीं हमारे बीच में कोई आर्गुमेंट होती, कभी कोई झगड़ा नहीं होता टच वुड. लेकिन जब बात एक टेबल पे दो दो दिमाग जब बैठते हैं ना तो ऑब्वियसली यू विल हैव सम काइंड ऑफ अ डिसएग्रीमेंट. शी एंड यू नो वन ऑफ अस वी ऑलवेज गो विद वन ऑफ आवर पर्सपेक्टिव्स. सो सरगुन इज अ एक्सट्रीमली डीप राइटर. She creates stuff. I mean, if I am to narrate to you some of the stuff that Sargun has created, some of the episodes that she's been supervising and she's been writing, which you'll soon see. I'll maybe speak to you about it soon in some time. It's a work of pure genius. It's a work of absolutely pure genius. So I'm enamored by her craft. But I also have a mind and heart of my own. So obviously, I mere apne tarke tarke hota uske andar. So hote hain uske upar bhi hote hain sawal jawab hote hain. You can't do anything about it. So, फिर जब ये arguments होते हैं तो sorry कौन बोलता है? Happy marriage के लिए जरूरी है ये? नहीं नहीं, तो किसी भी relationship के लिए बहुत जरूरी है. पर यार मतलब आपकी जो जो लोग आपकी life में सबसे ज्यादा important होते हैं उनके सामने तो आपको sorry बोलने में जरा भी झेप होनी ही नहीं चाहिए, जरा भी शर्म होनी ही नहीं चाहिए. कुछ ही तो गिनती के लोग हैं जो केयर करते हैं आपके बारे में और हैं कितने, यू नो. सो आपको उनको सॉरी थैंक यू बोलने में आपको बिल्कुल भी जरा भी वो नहीं, इनहिबिशन नहीं होना चाहिए. आल्सो आई हैव ऑफन सीन दिस थिंग कि सरगुन के जो भी अचीवमेंट्स होते हैं वो आप पर्सनली अपने अचीवमेंट जैसे लेते हो, ये कहां से आता है रवि? आप होता मेरे ख्याल हर कपल में, शायद वो एक्सप्रेस नहीं करते होंगे या उनके अपने रीजंस होंगे एक्सप्रेस ना करने के. लेकिन मैं ये नहीं मानता कि कपल्स के बीच में ये सेंटिमेंट नहीं होता, वो हमेशा एक दूसरे को बढ़ता हुआ ही देखना चाहते. आई थिंक आई एम जस्ट अ लिटिल मोर एक्सप्रेसिव अबाउट इट, दैट्स इट, दैट इज द ओनली डिफरेंस.
दूसरी बात मैं ये कहता हूँ कि आई थिंक एक मतलब जब आप कुछ अचीव करते हैं तो आपके माता पिता आपसे कितना वो 10 जगह जाके बताते हैं कि आज देखो आई नो व्हेनेवर माय वन ऑफ माय प्रोजेक्ट्स इज कमिंग आउट माय फादर्स काइंड ऑफ ही इज फॉरवर्डिंग इट टू एवरीबॉडी एंड ही इज सेइंग दैट लुक माय सन हैज डन दिस. आज 15 साल हो गए इंडस्ट्री में, ऐसा लगता है कि उनको वो आज भी मेरा कोई पहला एडवर्टाइजमेंट या पहला मेरा कोई शो देखना हो, इस तरीके से वो हर किसी को फॉरवर्ड करते हैं जो है मेरा काम. तो आई एम श्योर दैट्स द सेम विद ऑल द पेरेंट्स. जब आपका आपके माता पिता और आपके बीच में इस तरीके का सेंटिमेंट हो सकता है तो आपके और आपके स्पाउस के बीच में क्यों नहीं जी? तो मैं मुझे तो लगता है कि जो दो फिल्म फेयर और ये बाकी जो अवार्ड्स घर में इतने सारे रखे हुए मेरे ही हैं, उसके अवार्ड्स तो आने बाकी हैं. क्योंकि वो मैंने देखा है हमेशा जब भी उनका अवार्ड मिलता है कि आप उनके एकदम चीयर लीडर बन जाते हैं उनके लिए, उनकी अचीवमेंट्स को खुद का समझने लगता है. बट आई थिंक एक कपल के बीच में वो होना भी चाहिए. बिल्कुल बिल्कुल, दैट्स एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट एंड आई थिंक द मोर यू सेलिब्रेट ईच अदर द मोर द यूनिवर्स सेलिब्रेट्स यू. सो आप हम अप्रिसिएशन चाहते हैं मगर अप्रिशिएट करना नहीं चाहते, उसमें हम कंजूसी करते हैं और हम बेइंतहा अप्रिसिएशन अपनी तरफ आते हुए देखना चाहते हैं. सो ये फेयर नहीं, आई थिंक दिस इज नॉट द ये अच्छा लेन देन, करेक्ट लेन देन नहीं है. So, you know, if you want the world to appreciate you, you have to appreciate the world. You have to give out the same energy that you want to receive in your life. So, and Sargun is such a, again, you know, I mean, she's exactly like this. She never shies away from appreciating anyone. Usko aap kabhi bhi, main common gatherings ke andar bhi, kabhi kisi ke saamne, kisi ke baare mein gossip karte hue, ya koi ochi baat bolte hue, ya disagreement ho sakta hai, but she always keeps that mutual respect alive. And that's something that's a mark of a very mature and deep person. Maybe that's why the universe is constantly by her side. You know, it has her back. So. Also, we have seen of late, Ravi, you experimenting with many things apart from acting also. You know, jaise writing ki baat kar lo, ya phir production house ki baat kar lo. ये इस वजह से भी आता है क्योंकि टीवी में अब उस तरीके के प्रोजेक्ट्स नहीं रह गए हैं, या फिर दिस थिंग्स हैव ऑलवेज बीन इनसाइड यू एंड यू वांटेड टू एक्सप्लोर देम समडे? दे हैव ऑलवेज बीन इनसाइड मी. आई थिंक व्हेन नोबडी वाज वाचिंग आल्सो आई वाज डायरेक्टिंग, ओके, और व्हेन नोबडी वाज वाचिंग आल्सो आई वाज राइटिंग, व्हेन नोबडी वाज वाचिंग आल्सो आई वाज एक्टिंग, यू नो. सो इवन बिफोर आई केम इनटू द इंडस्ट्री आई वाज डूइंग दिस थिंग्स. I find great alignment with the creative industry, not just the acting industry. So I enjoy this process of when your creative juices, they begin to flow in your head. You know, I think that's a big dopamine rush, even bigger than the numbers. So I thoroughly enjoy it. So I'm right now also doing stuff that gives me pleasure, that I thoroughly enjoy. The industry has a lot of work to offer. The industry has fantastic work to offer. You have to make a filter, which I have chosen to make for the last many years, that you have to make a filter as a what is the kind of project that you want to engage with. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिनके पास eyeballs और आंकड़े बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें क्या मैं as an artist उनके साथ resonate करता हूँ, शायद शायद नहीं. तो अगर मैं resonate करता हूँ, मैं जरूर उसके साथ जुड़ना चाहूंगा, whether there is those numbers by their side or not. और अगर मैं नहीं करता तो वो आंकड़े हो या ना हो, मैं रेजोनेट नहीं करना चाहूंगा, मैं जुड़ना नहीं चाहूंगा उस प्रोजेक्ट के साथ. सो इफ आई डोंट आई थिंक इफ यू आर नॉट जॉयफुल अबाउट बीइंग अ पार्ट ऑफ एनीथिंग, यू आर अ प्रोफेशनल कमिटमेंट, अ रिलेशनशिप इन द हाउस दैट यू लिव इन और द जॉब दैट यू आर इन, यू कैन नॉट गिव योर 100% एंड देन देयर इज नो ब्लिस, देयर इज नो जॉय, देयर इज नथिंग एंड यू विल नॉट बी एबल टू प्रूव योरसेल्फ, यू विल हिट अ डेडलॉक एंड यू विल जस्ट lose your self confidence and your self worth and the joy within you. So I don't want that to ever happen. So, yeah. In future, do we see you directing something on TV for small screen? We are producing stuff. I doubt that kind of bandwidth, you know, I mean, I don't think as a that kind of long term commitment professionally. Meri aur aapki ye charcha pehle bhi hui hai. I don't think I have that bandwidth. So directing on television would mean going, you know, kind of doing it for years and years and years together, even if it is for my own production. I don't think I have that kind of bandwidth and I would say even patience for that matter. It's important for me to kind of know when a project is ending rather than
how long it is going to go on. That is not what gives me a high, ki kitna lamba ye project denne wala hai, chalne wala. What gives me a high is that, you know, that I should know that 3 months, 4 months, and, you know, let's start with grace, let's end with grace, and let's give it all that we have got. Let's go all guns blazing inside, within the project. So yeah, that. Also, Ravi, agar main baat karu TV ki, to jis tarike ka content abhi ban raha hai TV pe, aap personally usse kitna khush hai? मैं टीवी के कंटेंट थोड़ी अजीब लगेगी शायद बात, मैं कंज्यूमर नहीं हूँ. आई एम नॉट द कंज्यूमर फॉर विच टीवी इज मेड. यू नो, टीवी टेलीविजन कंटेंट इज नॉट मेड फॉर मी. आई, इट इज माय ब्रेड एंड बटर, इट इज द प्लेस आई रन माय किचन फ्रॉम, यू नो. बट ये भी आपने सुना होगा कि हलवाई कभी अपनी खुद की मिठाई नहीं खाता है. सो हम वो हलवाई हैं जो चीजें बनाते हैं, एंड आई थिंक दैट्स हाउ यू कैन बी ऑब्जेक्टिव अबाउट योर कंटेंट. यू कैन हैव अ बर्ड्स आई व्यू ऑन योर कंटेंट इफ यू आर that is how you can make multiple things. Otherwise, you'll just get obsessed and tunnel viewed with one kind of content, if you're also the consumer of it. Well, I think that there is some good content. I will have to say about the content that I have engaged, you know, because that is the content that fortunately or unfortunately I have also consumed. I did whether it is a Saas Bina Sasural, which I am very proud to be a part of, whichever young days of my career, whether it is a show like Karol Bagh, which I'm extremely proud and happy that happened in my life for many reasons. Sargun is one of them, but also professionally, it gave me a chance to play a character that was not very welcome on television screens at that time. Saas Bina Sasural was what had a slice of life, Basu Chatterjee or a Rishikesh Mukherjee kind of a storytelling. Of course, I'm not talking about it had the genius that they had, but it had a very slice of life, a very connectable vibe to itself. I'm very proud of being a part of that show. After which, Jamai Raja, the game changer, you know, the show of my life. Again, I'm very proud because it was a pioneer in many, many ways. You know, in a female-driven medium, it was a male protagonist show. Yes. In a content which was mostly drama and unhappy and sad in kitchen politics, you had a dramedy. You had more like a 90s happy film where you could just smile at the end of the show on a prime JC. Masala entertainer. Mm. So at that point of time, that in itself was quite a break from the Bhedchal. So, or it was Rising Star. That is probably the only live singing reality show in half the world, not just in India. You know, so that in itself became a pioneer in so many multiple ways. You know, and or it is content like Saregamapa, where you push children to bring the best potential out on a stage as big as that. So I am lucky, fortunate, and also I'd like to give some credit to the work that I've chosen to associate with. That I think I've been lucky to do some very, very good projects on Indian television, and I'm very proud. So and also I personally hold television in a very high regard, because it's one medium that embraces and has no prejudice, and it just you know, blesses you and nourishes you at every level possible. Reaching out to people, कितना easy हो गया है अभी, and you know आप content अपने हिसाब से create कर सकते हैं. उसमें कहीं ना कहीं social media भी एक important हिस्सा है उस चीज का. लेकिन social media के बहुत सारे drawbacks भी हैं, जो अभी खासकर बहुत ज़्यादा lockdown period में बहुत negative हो गया है. After specially सुशांत's demise. So how do you look at सोशल मीडिया? क्योंकि एक तरफ से आप अपने फैंस से दूर चुटकियों में आप कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वहीं पे ट्रोलिंग, फेसलेस पीपल हैं जो यू नो दे आर रेडी टू पुल डाउन एनीवन. सो व्हाट इज योर टेक ऑन? आई थिंक इट्स शायद उनके दिल और दिमाग में उनको ऐसा लग रहा होगा कि वो मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं. लेकिन कई बार ना एक कड़वा बोल जो होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है वो बहुत फार रीचिंग होता है, एंड इट कैन ब्रिंग समटाइम्स पीपल टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, यू नो. सो ये बस ये चीज ध्यान रखी जाए कि हम एक दूसरे की जो है मतलब मतभेद वो चलेगा, मगर मनभेद नहीं होना चाहिए. यू नो, देयर शुडंट बी अ डिस्टेंस इन हार्ट्स. आई थिंक एम्ब्रेसिंग ईच अदर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. To spread as much love as possible. That's what we need at this point of time. The world
is in a very critical circumstance. Everybody is going through a low life condition. Mm-hmm. I think we can contribute a lot to each other's life by encouraging each other, by pushing each other in the right direction. We can have disagreements and voice those disagreements. There is no harm in that. Mm-hmm. But when we voice those disagreements, also keep in mind that that we have a family. Mm-hmm. The people whom we are addressing, they too have a family. So jaisa maine kaha ki matbhed ho chalega, manbhed nahi hona chahiye. So that's what I would like to say. Thank you so much, Ravi, for taking out time. Thank you very much, and I had a great time talking to you.